शनि जयंती। शनि जयंती एक हिंदू पर्व है जो जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। शनि देव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक है। शनि जयंती सूर्य पुत्र की आराधना का महापर्व है। शनि मनवांछित फलहारी है। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। शनि जयंती के दिन पूरे विधि विधान से शनि देव का पूजन किया जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों व स्रोतों का गुणगान किया जाता है। शनि जयंती पूजा विधि। शनि जयंती के अवसर पर शनि देव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है। शनि जयंती के दिन किया गया दान पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्टों दूर कर देने में सहायक होता है। शनि देव के निमित्त पूजा करने हेतु भक्त को चाहिए कि वे शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर नवग्रहों को नमस्कार करते हुए लकड़ी के एक पाट पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर शनि देव की लोहे की मूर्ति स्थापित करें और उसे सरसों या तिल के तेल से स्नान कराए तथा षोडोपचार पूजन करें तथा साथ ही शनि मंत्र का जप कम से कम एक माला जरूर करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रो सह शने नमः अथवा ओम शम शनेश्चराय नमः। माला जपने के पश्चात शनि चालीसा का पाठ करें व तत्पश्चात शनि महाराज की आरती भी उतारनी चाहिए। इसके बाद पूजा सामग्री सहित शनि देव से संबंधित वस्तुओं का दान करें। इस प्रकार पूजन के बाद दिन भर निराहार रहें व मंत्र का जप करें। शनि की कृपा एवं शांति प्राप्ति हेतु तिल उड़ काली मिर्च मूंगफली का तेल अचार लौंग तेजपत्ता तथा काले नमक का उपयोग करना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े जामुन काली उदड़ काले जूते तिल लोहा तेल आदि वस्तुओं को शनि के निमित्त दान में दे सकते हैं। शनि जन्म कथा। शनि देव के जन्म से जुड़ी एक कथा सकत पुराण में आई है जिसके अनुसार सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव को संज्ञा से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। सूर्य देव ने उनका नाम यम यमुना और मनु रखा। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया परंतु संज्ञा के सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उसने अपनी प्रतिरूप छाया को अपना उत्तरदायित्व देकर सूर्य देव को छोड़कर चली गई। छाया शिव भक्त थी। भक्ति से तपस्या में लीन रहती थी। परिणाम स्वरूप छाया के गर्भ से उत्पन्न शिशु जिनका नाम शनि रखा गया। जन्म के समय से ही शनि देव श्यामवन लंबे शरीर बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। काले वन के कारण पिता सूर्य देव छाया के ऊपर लांछन लगाते हुए बोले कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। श्री शनि देव के अंदर जन्म से माँ की तपस्या शक्ति का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता के शरीर का रंग काला सा हो गया। घोड़ों की चाल रुक गई। रथ आगे नहीं चल सका। सूर्य देव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्य देव को सलाह दी कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसलिए यह दोष लगा है।
सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार किया तथा क्षमा मांगी और पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनि देव पिता के विरोधी, शिव जी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। शनि ने अपनी साधना और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्यदेव के समतुल्य शक्तियां अर्जित की। शनि देव बचपन से बहुत नटखट थे, इनकी अपने भाई बहनों से नहीं बनती थी, इसलिए सूर्य ने सभी पुत्रों को बराबर राज्य बांट दिया। इससे शनिदेव खुश नहीं हुए, वे अकेले ही सारा राज्य चलाना चाहते थे। यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनसे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। शनिदेव बोले, मेरी शुभ दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो, तथा जिस पर कुदृष्टि पड़ जाए उसका सर्वनाश हो जाए। ब्रह्मा से वर पाकर शनिदेव ने अपने भाइयों का राजपाट छीन लिया। उनके भाई इस कृत्य से दुखी हो शिवजी की आराधना करने लगे। शिव ने शनि को बुलाकर समझाया कि तुम अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। शिवजी ने शनिदेव और उनके भाई यमराज को उनके कार्य सौंपे। यमराज उनके प्राण हरे, जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, तथा शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देंगे। शिवजी ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि उनकी कूट दृष्टि से देवता भी नहीं बच पाएंगे। माना जाता है कि रावण के योग बल से बंदी शनिदेव को लंका दहन के समय हनुमान जी ने बंधन मुक्त करवाया था। बंधन मुक्त होने के दिन से मुक्त होने के लिए शनिदेव ने हनुमान से वर मांगने को कहा। हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को अशुभ फल नहीं दोगे। शनि बोले, ऐसा ही होगा। तभी से जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, वचनबद्ध होने के कारण शनिदेव अपने प्रकोप को कम करते हैं। शनिदेव की पूजा करते समय विशेष ध्यान देना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि यदि शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं तो घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इस दिन प्रमुख शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भारत में स्थित प्रमुख शनि मंदिरों में भक्त शनिदेव से संबंधित पूजा पाठ करते हैं तथा शनि पीड़ा से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। शनिदेव को काला या कृष्ण वर्ण का बताया जाता है, इसलिए इन्हें काला रंग अधिक प्रिय है। शनिदेव काले वस्त्रों में सुशोभित है। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनि जयंती के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। शनि हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक है। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में धीमे चलते हैं, इसलिए इन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है। शनि ग्रह वायु, तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। शनि देव को समस्त ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। शनि देव के शीश पर अमूल्य मणियों से बना मुकुट सुशोभित है। शनि देव के हाथ में चमत्कारिक यंत्र है। शनि देव न्याय प्रिय और भक्तों को अभय दान देने वाले देव माने जाते हैं। शनि देव प्रसन्न हो जाए तो रंग को राजा और क्रोधित हो जाए तो राजा को रंग भी बनाने में देरी नहीं लगाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का फल व्यक्ति की जन्म कुंडली के बलवान और निर्बल होने पर तय करते हैं कि जातक को शनि प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। शनि पक्ष रेषित होकर अगर पाप कर्म की सजा देते हैं तो उत्तर कर्म करने वाले मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधा एवं वैभव भी प्रदान करते हैं। शनि देव की जो भक्ति पूर्वक व्रत उपासना करते हैं वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शनि देव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।
शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की पूजा भी करनी चाहिए। प्रत्येक अवस्था में एक संतुलन और होश को बांधे रखने में शनि देव हमारे सहायक है। शनि प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखते हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ न्याय करते हैं। ऐसे में शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शनि को अनुकूल कार्य कर प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव न्याय के देवता है, योगी तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। शनि देव जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि देव नीतिगत न्याय करते हैं। कहते हैं शनि वक्री जन्हे पीड़ा, अर्थात शनि की वक्री होने से लोगों को पीड़ा होती है। इसलिए शनि की दशा से पीड़ित लोगों को शनि जयंती के दिन उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे उन्हें सुख प्राप्त होगा और पूरे साल हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और सरसों के तेल का दिया जलाने से प्रसन्न किया जा सकता है। शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके इसके साथ ही इस दिन शनि चालीसा का पाठ विशेष फल प्रदान करता है। शनि देव का नाम या स्वरूप ध्यान में आते ही मनुष्य भयभीत अवश्य होता है, लेकिन कष्टम समय में जब शनि देव से प्रार्थना कर उनका स्मरण करते हैं तो वे ही शनि देव कष्टों से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त भी करते हैं। भगवान शनि देव कलयुग में भी निष्पक्ष न्याय में विश्वास करने वाले माना जाते हैं और संतुष्ट होने पर अच्छी किस्मत और भाग्य के साथ अपने भक्तों को हर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। शनि जयंती प्रभु शनि को खुश करने के लिए हवन और यज्ञ करने के लिए बहुत उपयुक्त दिन है। शनि तेल अभिषेक और शनि शांति पूजा शनि जयंती के दौरान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जिस जातक पर दैया साढ़े सत्ती का प्रकोप हो उसके लिए हवन पूजा बहुत ही लाभदायक माना जाता है। शनि से प्रभावित व्यक्ति इस कई प्रकार की अनावश्यक परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं। कार्य में बाधा का होना, कोई भी कार्य आसानी से न बनना जैसी स्थिति, इस समस्या को कम करने हेतु शनिश्चरी अमावस के दिन शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना उत्तम रहता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि का कुप्रभाव हो उन्हें शनि के पैरों की तरफ ही देखना चाहिए। जहाँ तक हो सके शनि दर्शन से भी बचना चाहिए। सच ही कहा गया है कि शनि जाते हुए अच्छा लगता है न कि आते हुए। शनि जिनकी पत्रिका में जन्म के समय मंगल की राशि वृश्चिक में हो या फिर नीच मंगल की राशि मेष में हो तब शनि का कुप्रभाव अधिक देखने को मिलता है। बाकी की राशियां सिर्फ सूर्य की राशि सिंह को छोड़कर शनि की मित्र उच्च व सम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का फल व्यक्ति की जन्म कुंडली के बलवान और निर्बल ग्रह तय करते हैं। मनुष्य हो या देवता, एक बार प्रत्येक व्यक्ति को शनि का साक्षात्कार जीवन में अवश्य होता है। शनि के प्रकोप को आदर्श और कर्तव्य के प्रतिमूर्ति प्रभु श्री राम, महाज्ञानी रावण, पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, राजा विक्रमादित्य सभी ने भोगा है। इसलिए मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी इनके पराक्रम से घबराते हैं। शनि देव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। इन्हें कूर ग्रह माना जाता है, जो कि इन्हें पत्नी के शाप के कारण मिली है। शनि की अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिक देवता यम है। इनका वरन कृष्ण है, वह वे गिद्ध की सवारी करते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार शनि को अशुभ माना जाता है। वह नौ ग्रहों में शनि का स्थान सातवां है। वे एक राशि में 30 महीने तक रहते हैं तथा मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 95 गुना ज़्यादा मानी जाती है। माना जाता है इसी गुरुत्व बल के कारण हमारे अच्छे और बुरे विचार चुंबकीय शक्ति से शनि के पास पहुँचते हैं।
जिनका कृत्य अनुसार परिणाम भी जल्द मिलता है। असल में शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। यदि आप किसी से धोखाधड़ी नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी पर कोई जुल्म अत्याचार नहीं करते, कहने तात्पर्य यदि आप बुरे कानों में संलिप्त नहीं हैं, तब आपको शनि से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव भले जातकों को कोई कष्ट नहीं देते। शनि जयंती पर इन बातों का रखिए ध्यान। शनि देव की पूजा करने के दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल मालिश का स्नान करना चाहिए। शनि मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। शनि जयंती या शनि पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन यात्रा को भी स्थगित कर देना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को तेल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। गायें और कुत्तों को भी तेल से बने पदार्थ खिलाने चाहिए। विकलांग व बुजुर्गों व ज़रूरतमंद की सेवा और सहायता भी करनी चाहिए। शनि महाराज व सूर्य मंगल से शत्रुतापूर्ण संबंध होने के कारण इस दिन सूर्य व मंगल की पूजा कम करनी चाहिए। शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनि जयंती के दिन पौधारोपण करें तथा जड़ में जल अर्पण करें। दशरथ कृत शनि स्रोत का नियमित पाठ करें। कभी भी भिखारी, निर्बल, दुर्बल या अशक्त व्यक्ति को देखकर मजाक या परिहास नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन छाया पात्र तिल का तेल एक कटोरी में लेकर उसमें अपना मुंह देखकर शनि मंदिर में अर्पण करना चाहिए। तिल के तेल से शनि देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। काली चीज़ें जैसे काले चने, काले तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े आदि का दान सामर्थ्यानुसार निस्वार्थ मन से किसी गरीब को करें। ऐसा करने से शनि देव जल्द ही प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। पीपल की जड़ में केसर, चंदन, चावल, फूल मिला पवित्र जल अर्पित करें। शनिवार के दिन तिल का तेल दीप जलाएं और पूजा करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि देव की पूजा से लाभ। मानसिक संताप दूर होता है। घर गृहस्थी में शांति बनी रहती है। आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। राजनेता मंत्री पद प्राप्त करते हैं। शारीरिक आलस्यपन दूर होता है।